वॉचे आर्गस स्वाद ओडिशा विद स्मृति श्री सिंह, जिसके प्रेजेंटिंग पार्टनर है रुचि फूड लाइन कर लो दोस्ती सेहत से, एंड जिसके वेन्यू पार्टनर है होटल क्रिस्टल क्राउन पटिया। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम डेली जो भी खाना खाते हैं वो हमारी घर की औरतें बनाती है, बट दुनिया में जितने सारे बड़े बड़े नामी शेफ्स हैं वो मेल शेफ्स हैं, ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही अजीब बात है ना। मुझे लगता है कि हमारी औरतें डेली डेली खाना पकाते पकाते खुद ही पक चुकी है, इसीलिए एक आदम मेरे जैसे को छोड़ के इस प्रोफेशन को कोई लेना ही नहीं चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने भी बड़े नामी दामी मेल शेफ्स हो, सबसे बेस्ट शेफ होती है हमारी माँ, क्योंकि दुनिया का हर इंसान अपने माँ के हाथ के स्वाद को याद करता है। लेकिन ऐसे भी एक शेफ है जिनको मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ, और जिनका खास बात यही है कि उनके हाथों में है माँ के हाथों का स्वाद, और वो है पद्मश्री शेफ संजीव कपूर। मास्टर शेफ संजीव कपूर अंबालारे जन्म ग्रहण कले एवं क्यूलिनारी शिक्षा ग्रहण पाई दिल्ली आसीगले एवं होइगले शेफ। एही शेफ प्रोफेशन जोगुं से सारा विश्व भ्रमण कले एवं जेउठी गोटिए पटे अपार सफलता पाइले सेठी अपरपक्षे साधारण एवं विशेष व्यक्तिक स्नेह एवं सम्मान मध्य पाइले। संजीव कपूर आज इंडियन क्विजिन्र सबुठारु चर्चित एवं लोकप्रिय चेहरा। से हेउछंती जड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेफ, दुनियार एकमात्र शेफ जी एक डेडिकेटेड फूड रिलेटेड टीवी चैनल रो प्रतिष्ठाता। मास्टर शेफ संजीव कपूर बेस्ट सेलिंग कुकिंग बुक्स रो लेखक अटंती, रेस्टोरेंट मालिक एवं एकाधिक सम्मानजनक प्रेस्टिजियस क्यूलिनरी अवार्ड रो विजेता मध्य। 2017 मसीह रे तांकर सफलता पाई भारत सरकार तांकू पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करथिले। क्यूलिनरी वर्ल्ड पाई यहाँ एक गर्वर विषय। फाइनली आज स्वाद ओडिशा विद स्मृति श्री सिंह रे आमो सहित अछंती पद्मश्री अवार्डी शेफ संजीव कपूर। थैंक यू वेरी मच। जैसे आप एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उड़ीसा जगह ही ऐसी है। जब एक टाइम था आपका तब आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, बट आप कलिनरी फील्ड में आ गए, वो कैसे हुआ? क्रिएटिविटी के चक्कर में आर्किटेक्चर सोचा, तो आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था बहुत अच्छा कॉलेज, वहाँ पे वेट लिस्ट हुआ और मैंने सोचा कि और तो कुछ प्लान किया नहीं था, तो उससे मैं जो समझ आया सामने आया कि ये कर लेते हैं, तो होटल मैनेजमेंट कर लिया। होटल मैनेजमेंट कर लिया, मैंने कहा इसमें क्या अलग कुछ करें, तो उस समय किचन में लोग ज़्यादा नहीं जाते थे। हाँ, एक्चुअली मैं कहा चलो इस तरफ चलते हैं, बस वहाँ उस तरफ निकल पड़े। एक्चुअली भला हला कि शेफ कर आर्किटेक्ट कॉलेज रे वेटिंग लिस्ट थिला, नहले थोड़े ना हमको एते बड़ा शेफ मिली थांते, हमरो माने इंडिया पाई नु है इंटरनेशनली एते सारा गर्व आनी थांते। तो ये सबके बीच में मेरे को और एक बात पता चली, आप बॉम्बे गए थे जॉब करने के लिए, बट सुनने में आया वहाँ से तो आप मतलब शादी फिर आगे की बात वो सब करिए, वो कैसे सुनी सुनाई जो बातें होती है ना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पूछ रही हूँ आपको। करेक्ट। तो मैं जॉब तो बहाना था, तो जॉब भी मुंबई इसमें इसलिए गया क्योंकि उस समय अल्योना की फैमिली जो है उन्होंने मुंबई वापस मूव कर लिया था, तो पहुंचने के विद इन 6 मंथ्स तो शादी हो गई थी। वाओ, तो कलिनरी फील्ड में जाने से आपको ऐसे कैसे फील हो गया कि मैं बहुत अच्छा शेफ बन सकता हूँ, क्योंकि तब जैसे बोला आपने कि होटल मैनेजमेंट ज़्यादा लोग नहीं करते थे या फिर किचन में ज़्यादा लोग नहीं जाते थे? नहीं नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाएं उसमें आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अपने आप अच्छा होगा, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो टीवी शो तो बाद में आया, उससे पहले भी अच्छा काम करता था, अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते थे, प्रमोशन बड़ी जल्दी होती थी। 28 साल की उम्र में
400 रूम के होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ था मैं. करीब उसी समय बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ का इंडिया का प्राइज मिला. आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा सब अपने आप हो जाएगा. हाँ. ऐसे नहीं होता. हार्डवर्क तो करनी पड़ेगी. तो दरवाजे पे अगर नॉक होगा, कोई खटखटाएगा और आप दरवाजा खोलेंगे ही नहीं. शेफ कर ए जो सब इंस्पिरेशनल कथा सुने के मते तो आज बहुत ही भल लागु छी. नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए उड़ीसा का खाना मुझे मिलेगा. ये तो मिलेगा. मैं आपके साथ एक्चुअली बातचीत में इतना ज़्यादा घुल मिल चुकी हूँ ना, डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊंगी क्योंकि आप ओडिशा में आए हुए हैं और मेरे हाथ का खाना आपको खिलाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है. तभी चालन तो जिबा हमें शेफ को पाए कि ट्रेडिशनल ओडिया रेसिपीज बनेबा. आज हमारे साथ हैं, आपको तो पता ही है, हमारे पद्मश्री शेफ संजीव कपूर जी. सबके दिल में जो राज करते हैं खाना बना के, एंड क्या ही बोलूं अभी, मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ आपको, देख देख के इतने लोगों ने सीखा हुआ है, हमने तो बहुत सारा बातचीत किया हुआ है. अब थोड़ा सा आप उड़ीसा में आए हुए हो, आपके लिए मैं कुछ उड़ीसा का जो हमारा स्पेशलिटी है, जब हमारे घर में कोई आता है हम मीठे से शुरू करते हैं, तो आपके लिए मैं आज खीर सागर बनाऊंगी. थैंक यू स्मृति श्री सिंह, थैंक यू वेरी मच. एंड मैं थोड़ा सा नहीं उड़ीसा आया हूँ, पूरा उड़ीसा आया हूँ. बट अच्छी बात है, कोई घर पे आता है तो मुंह मीठा करवाना ही चाहिए. तो मैं शुरू करती हूँ. बिल्कुल. तो पहले मैं दूध चढ़ा देती हूँ. हमारा इसको प्लेन दूध में ही हम लोग रबड़ी बनाएंगे. अच्छा स्मृति श्री, अभी एक चीज बता देता हूँ. जी. तो आपने अभी ये क्या किया वो बोल दो मुझे. जी ठीक है. अभी ये बोल दिया, बोल में से आपने दूध ऐसे डाला. कैमरा किधर है? वहां पे है. यहां से ऐसे डालोगे तो दूध ऐसे दिखेगा. ओके गुड. मुझे तो लगा था मुझे आज खाने के टिप्स मिलेंगे. यहाँ पे तो मतलब और भी अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने का मुझे टिप्स मिल रहा है. वेरी हैप्पी. तो इसको मैं डाल दिए. उसके बीच में हमारा जो रसगुल्ला है, जिसके लिए एक्चुअली हमारा जो छेना बनता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मलना. तो आई विल स्टार्ट मेकिंग इट. और अगर हो जाए डोंट वरी बाहर आने दूंगा उसको. सो ये जो रसगुल्ला है, ये बहुत लड़ाई हुई ना इसमें कि बंगाल का है, उड़ीसा का है. जीआई टैग हो गया ना अभी तो. बस ये जीआई टैग ने बिल्कुल सारी लड़ाई ठीक कर दिया. ये हमारा 1 कप चीनी है. राइट. फिर से करेक्ट. जब ऐसे बहुत सारे कैमराज हो तो थोड़ा सा रोको उसको, लंबी सांस लो, ताकि वो अगर इधर है तो यहाँ तक आने उसको टाइम लगेगा, फोकस करने में टाइम लगेगा. जल्दबाजी मत करो. ओके. जैसे कि हम लोग का चीनी मैंने बोला और आपने जैसे बोला कैमरा को दिखा के, आई एम पुटिंग 4 कप्स ऑफ वाटर. जितना चीनी लेते हैं हम लोग उतना 4 कप पानी लिया हुआ है. कैसे प्लान आउट किए थे? मतलब आप तो शेफ बनेंगे बट देन आपने टीवी में आए, आपका एक बहुत ही बड़ा शो हुआ, फिर आप बहुत सारे ब्रांड्स के इतने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने, आपका अपना प्रोडक्ट लाइन हुआ, तो वो एक बहुत ही लंबा सफ़र था. बट आप उसको इतना ईजी दिखाते हो, तो वो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे. सो कोई भी जो चीज़ है उसमें अगर आप दिल से करेंगे, मेहनत के साथ करेंगे, देन मुश्किल नहीं होती है. बट एज आई सेड, 1 day at a time एंड दैट्स इट. तो मैं अभी ये छेने का जो हमारा बॉल है वो बना रही हूँ क्योंकि हमारा चीनी भी ये हो गया. आप तो एक प्रोफेशनल शेफ थे, बट आपका टीवी का मतलब सफ़र कैसे शुरू हुआ वो मुझे जानना था. ऐसे ही नया टीवी चैनल शुरू हो रहा था, केबल एंड सैटेलाइट टीवी पहली बार शुरू हो रहा था, तो मेरे पास आए कि आप एक एपिसोड करना है. शो का नाम रखा उन्होंने श्रीमान बाबरची. मैंने कहा मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नाम नहीं पसंद. तो फिर मैंने खाना खजाना नाम दिया उस समय, और काफ़ी सारे शुरू में 8-10 शेफ्स ने शो किया, पर जब मेरा वाला एपिसोड आया वो लोगों को ज़्यादा पसंद आया, तो उसके बाद तो नॉन स्टॉप 19 years आई डिड दैट. 19 साल. तो हमारे ये दूध जैसे खोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा फ्रेगरेंस के लिए मैं ये रुचिका एक हमारा कार्डमम है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स फ्रेग्रेंस में अगर बोला जाए तो कार्डमम इज़ द रानी बोला जाता है, एंड थोड़ा सा शुगर डालूंगी मैं.
ये है रुचि खंड शुगर, नेचुरली ग्रैनुलेटेड शुगर जिसमें विटामिन और फाइबर्स बहुत सारे हैं। इसीलिए कहते हैं रुचि फूड लाइन, कर लो दोस्ती सेहत से। तो हमारे ये जो ये बहुत ज्यादा बॉयल हो रहा है उसमें मैं थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा कार्डमम डालूंगी, दैट वो फ्लेवर रहता है थोड़ा सा ही बस, एंड ये हम इसमें डाल देंगे। वेरी गुड। तो ये जैसे हमारा बॉयल हो जाएगा 15 मिनट्स में, इसको हम इसमें डाल देंगे। राइट, ये है अपने पास, ये अपने आप बॉयल होता रहेगा। करेक्ट। मैंने ना बचपन में आपके बहुत सारे बुक्स देखे हैं। अच्छा, तो ये कुकिंग बुक जो है ये बहुत हेल्पफुल है, वो कैसे आपने सोचा कि शो तो हो गया अभी बुक्स कैसे? नहीं सोचा नहीं था मैंने, पर जहाँ भी कहीं जाता था तो लोग पूछते थे कि आपकी कुकिंग बुक्स हैं। मैं सोचता था कि टीवी का शो है, कुकिंग बुक्स क्यों लोग मांगते हैं। फिर मुझे पता चला उस समय तरला दलाल जी की बहुत बुक्स बिकती थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे उनके पता चला कि उनको एक साल में रॉयल्टी कितनी मिली है, तो मैंने फटाफट बुक लिखनी शुरू कर दी। सही, बहुत अच्छा लग रहा है ये दूध। हम लोग रसगुल्ला कैसे हो गया है जानेंगे जब ये अपने आप फ्लोट होना शुरू हो। परफेक्ट। तो इसमें से आप अगर चेक करना चाहते हैं कितना सॉफ्ट है। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। सी स्कूप्ड। सो इसको मैं अभी इसमें सोक कर दूंगी। तो इस ये होता है एक्चुअली खीर सागर मींस ओशन। बिल्कुल। और ये दूध के ओशन में पर्ल जैसे डल रहा है, सो दैट इज व्हाई द नेम इज खीर सागर। तो इसके अंदर ये थोड़ी देर के लिए सोक होंगे, और जब तक सोक हो रहा है आप लोग देख लीजिए इसका एक सुंदर सा रीकैप। खीर सागर तैयारी करने पर सर्वप्रथमे गोटे पैन रे खीर को गरम हेबा पई रखि दियंतु। गोटे प्लेट रे छेना को भल भाव दोली दियंतु। अन्य गोटे पैन रे गोटे बाउल चीनी तारिक पानी भल भाव मिसाई गरम करंतु। वर्तमान दोली थिबा छेनार बॉल्स तैयारी करंतु एवं खीर रे गुजराती गुंड एवं प्राय 2 चम्मच चीनी मिसाई दियंतु। एबे प्रस्तुत होइतिबा शीरा रे अल्प गुजराती गुंड मिसांतु एवं छेना बॉल्स गुड़ी को सेथिरे पकाई 15 मिनिट पई सिझिबा को दियंतु। प्रस्तुत रसगुल्ला को तैयारी होइतिबा राबिडी रे मिसाई दियंतु एवं सुस्वाद खीर सागर को सर्व करंतु। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। लुकिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस ऐसा लग रहा है कि उड़ीसा ज्यादा आना चाहिए। प्लीज हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि मीठा बहुत ज्यादा नहीं है, ये तो एकदम प्रोटीन बॉल्स हैं अगर आज के। क्या नाम था? खीर सागर। खीर सागर, नया नाम मिल गया हमें एक्चुअली। अभी से खीर सागर को अगर मुझे ट्रांसलेट करना है सो इट विल बी प्रोटीन प्रोटीन बॉल्स इन स्वीटेंड मिल्क। यस, स्वीटेंड मिल्क। वाओ, विद लिटल ऑफ कार्डमम। मैंने तो एक मीठा बना के खिला दिया हुआ है, अब थोड़ा सा कुछ ग्रेवी करी बेसरा नहीं खिलाया तो उड़ीसा कैसे आया? बिल्कुल, मुझे तो लगी ना कि उड़ीसा में कितना उड़ीसा बोल रही है, उड़ीसा की भाषा बोल रही है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं आती बोलनी? बोलनी आती है, आपके लिए मैं हिंदी बोल रही हूँ। तो मुझे तो आती है उड़िया बोलनी। या अब मुझे ये शौक दे रहे हो आप, मतलब अच्छा बोल के देखो कुछ भी। अच्छा आप कुछ मत हिंदी में मत बोलना, उड़िया में। हाँ बिल्कुल। तो मुँ बने भी आंब चिंगुड़ी बेसर तरकारी आपण। ऑफकोर्स। सो प्रॉन्स आप बनाएंगे आम के साथ बना रहे हो? ओह माय गॉड, यस। तो क्या उड़िया? ओनली ओनली उड़िया। तो शेफ को पाई तो माजे बने भी आंबो चिंगुड़ी जोटा के हमारा भद्रक रो गोटे बहुत ही ओल्ड रेसिपी, और ये हमारे मैं समझ गया मैं बहुत पुरानी है भद्र क्या रे क्या मतलब भद्र लोग शुरू करो चलो ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले पैन में ऑयल लूंगी, फिर वही मो सोरिसा तेल नौचे। वेरी गुड, मस्टर्ड ऑयल। आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। ठीक है, ताकि ऑफ कोर्स आपको जो उड़िया मो अबे कंफ्यूज है गलेनी, मो एमती रे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी ले, अबे भी बहुत कंफ्यूज है यही छे। प्रॉन कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ये हो जाए कोई बात नहीं। तो एडा मैं गरम करी की सेटर मो प्रॉन्स पके भी। Right.
इसको थोड़ा सा ही बस इधर उधर पलटाना है। श्योर, तो इसको पलटाना ही है तो ऐसे ही पलटा देंगे हम। टॉसिंग इज द तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको ग्रेवी के लिए बताती हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट सा ग्रेवी है। हम लोग बहुत ज़्यादा मस्टर्ड यूज़ तो करते हैं बट अभी सीज़न है आम का, तो हमारा ये मैंगो वाला एक ग्रेवी बनता है जिसमें आपका ब्लैक मस्टर्ड और येलो मस्टर्ड भी आता है। तो आप जैसे बोले कि आप बहुत ज़्यादा उड़ीसा में आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, बहुत सारे स्टेट्स घूमे हुए हैं, तो ऐसे कौन सी जगह है या फिर कौन सा खाना है जो आपको पसंद है? हाँ, मुझे याद है लास्ट टाइम मैं आया था, मेरे मित्र हैं सौभाग्य महापात्रा। ओके। तो होटेलियर हैं तो उनके घर में खाना, उन्होंने पूरा ट्रेडिशनल खाना बनाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा, अगर घर से भी ज़्यादा जो खाना यहाँ पे बेटर लगा वो पूरी टेंपल में जो भोग होता है ना, वो सबसे सबसे स्वादिष्ट। बिल्कुल। तो ऐसे तो मैंने देखा है आपने बहुत सारे रेसिपीज़ भी उड़ीसा के ट्राई किए हुए हैं, आप सिखाते भी रहते हैं, तो वो चीज़ मतलब कैसे आपको, मतलब उसका ओरिजिन जो आप हमेशा तो उसके बारे में जान के ही बनाते हैं, तो वो आपको कैसा लगता है? मतलब कभी बनाते हैं आप घर पे ट्राई करते हो सारा खाना है? तो खाना ऐसा नहीं है कि आप कहीं नहीं गए तो आपको वहाँ का खाना नहीं पता। आप ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, एंड इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ऐसा जाना बजाना इंग्रेडिएंट नहीं है। जितने उड़ीसा वाले हैं दुनिया में कहीं पे भी, उनको बताना चाहता हूँ दैट वो लोग अपने खाने के बारे में और ज़्यादा बातें करें। यस, थोड़ा सा उससे शर्माएं नहीं, गर्व से सर्व करें, गर्व से सर्व करें अपना उड़ीसा का खाना। मतलब आप जो ये बात बोल रहे हो ना, ये 3 साल से मेरा मोटो हमेशा से यही है, ये इतना रिच है बट लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। उड़ीसा राइस का वर्ड है, और राइसा सटाइवा राइस का साइंटिफिक नेम। और कौन कौन सा स्टेट बोल सकता है ऐसा कि हमारा जो नाम ही वो खाना है, इतना रिच है। तो आई थिंक उसकी प्रमोशन और होनी चाहिए। डेफिनेटली सारे लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप अपने खाने के लिए ना गर्व महसूस कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सारा मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड ये, और ब्लैक मस्टर्ड, पॉपी सीड और थोड़ा सा गार्लिक और रेड चिली एंड ग्रीन चिली, बस यही हमारा एक पेस्ट बनेगा जो कि मैं ऑफकोर्स बना के रखी हूँ। Very nice. तो ये आपका पेस्ट है। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले रहे हैं क्योंकि हमारा मस्टर्ड ऑयल से ही वो फ्रेग्रेंस वो आता है, और इसमें मोस्टली आम का ही फ्लेवर है, सो ये थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा ऐसे टाइप में ही रहेगा। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, बहुत ही बेसिक से मसाले पड़ते हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, क्योंकि मस्टर्ड का ही अपना फ्लेवर रहता है। तो जीरा पाउडर मैंने ये डाल दिया हुआ है। उड़ीसा में उड़िया नहीं आती है इसको बोलने, मुझे आती है शब्द। ठीक है, मैं बैठो उड़िया रही कथा है अभी। हल्दी, लंका गुंड और जीरा गुंड उड़िया में स्माइल नहीं करते हैं? करते इसमें। और एक चीज भी जाता है जो कि मैं अभी डालूंगी, फ्रेशली मेड कोकोनट मिल्क। फैंटास्टिक। हमारा तो कोस्टल एरिया है, आपको पता है कितना ज्यादा हम लोग नारियल यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा कोकोनट मिल्क, तो जैसे कि ये हमारा डाला, इसको थोड़ा सा बॉइलिंग टेम्परेचर में डाल के आई पुट द प्रॉन्स। वेरी गुड, राइट जी, परफेक्ट। जैसे कि ये हमारा ये डल गया, इसके ऊपर हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आम, वो डालेंगे। तो ये आम के साथ ही कुक होगा, उसमें से वो खट्टा वाला फ्लेवर भी आता है। ये हमारा एक्चुअली बोलूँ तो बस 5 मिनट में ये रेडी है, क्योंकि हम लोग आम को ज़्यादा पकाएंगे नहीं। Sure. थोड़ा सा वो च्यूइनेस रहता है इसमें। ये तो हमारा आम पक रहा है और शेफ मुझे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी दे रहे हैं, तब तक आप देख लीजिए इसका एक रीकैप। गोटे पैन रे सोरस तेल गरम करी 7-8 चिंगुड़ी नहीं भल भाव भाजी दिंतु। गोटे बाउल रे 2 चामच सोरस, पोस्त 2-3 लाल लंका, 3-4 रसुण कोला, 2-3 कंचा लंका, गोटे चामच जीरा, कंचा आंब मिसाई पेस्ट तैयारी करंतु। एबे अन्य गोटे पैन रे तेल गरम करंतु एवं प्रस्तुत पेस्ट को सेथिरे पकाई भल भाव घाटी दिंतु। तापर सेथिरे अल्प हलदी,
गोटे चामच लंका गुंड गोटे चामच जीरा गुंड स्वाद अनुसार लुण फ्रेश कोकोनट मिल्क मिसाई भल भाव घाटी गरम करूँ और से चिंगुड़ी पकाई दिंतु चारु पांच खंड कटा आंब पक अल्प पा मिसाई पांच रु सात मिनिट पर प्रस्तुत होगा दिंतु बर्तमान आंब चिंगुड़ी को सर्व करूँ। बंद कर दें, हो गया, रेडी हो गया। अच्छा, मैं क्योंकि मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं ये टेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, चलेगा, आपको मैं पैक करके देती हूँ। वेरी गुड, दिखने में बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे पता है कि यहाँ के जो प्रॉन्स होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच शेफ, आप यहाँ पे आए और हमारे शो में चार चांद लग गया है अभी। एक्चुअली मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है जो मैं इतने साल से देखी थी। एंड उड़ीसा में आए, उड़ीसा के लोगों को इतना सारा आप टिप्स दिए, इतना सारा स्किल आपका आपने बताया, शेयर किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है, स्वाद उड़ीसा विद स्मृति श्री सिंह का। लेकिन हम वापस आएंगे आपके पास और एक नए सफ़र में नए सीज़न के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, नमस्कार।